गाइज, मैं हूँ सौम्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी पूड़ी और उसके साथ ग्रीन मटर आलू का करी बनाऊँगी। देखिए, मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया और उसमें अजवाइन और थोड़ा सा नमक डाल के मैं कैसे आटा को गूंद रही हूँ और उसके बाद उसको बेलना है। देखिए, अभी मैं बनाऊंगी ग्रीन मटर आलू का करी बनाऊंगी। पहले मैंने तेल डाल दिया, तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद प्याज डाल दिया, प्याज थोड़ा सा भुनना है और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और उसके बाद बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया और उसको थोड़ा सा फ्राई करना है और उसके बाद नमक स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर डालना है और उसके बाद गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर ये सब डालना है और वही मसाले को थोड़ा सर फ्राई करनी है और फ्राई करने के बाद हमको ग्रीन मटर और आलू को डालना है। देखिए, ग्रीन मटर आलू डालने के बाद मैंने जितना आपको पानी चाहिए उतना पानी डालना है और 10-15 मिनट के तक उसको छोड़ देना है, मतलब वो पकने के लिए उसको छोड़ देना है और देखिए 15 मिनट के बाद वो पक जाएगा। Thank you.
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। इधर देखिए बेटी खा रही है पूरी। देखिए बेटी का विंटर वैकेशन खत्म हो गया, आज स्कूल रीओपन हुआ है। देखिए उसको मैं कैसे तैयार कर रही हूँ, उसको भी मतलब नाश्ता करा दिया और उसको भी मतलब थोड़ा सा फ्रेश करके मतलब थोड़ा सा नहा के उसको रेडी कैसे मैं कर रही हूँ देखिए। देखिए बेटी का स्कूल ड्रेस मैं रेडी कर रही हूँ, एक एक्स्ट्रा ड्रेस और दो नैपकिन और टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल। देखिए बेटी कैसे खुद हाथ में पकड़ के पानी पी रही है, मतलब वो नाश्ता किया है ना, इसलिए मैं घर से पानी थोड़ा सा पिला के उसको मतलब स्कूल भेजती हूँ, क्योंकि ना वो मतलब जो वाटर बॉटल में पानी देती हूँ वो अच्छे से नहीं, अच्छे से पानी नहीं पीती है। वो 11:30 को आती है ना, वो इसलिए वो सुबह से 11:30 तक ठीक से नहीं पानी पिएगी तो वो उसका तबीयत ठीक हो मतलब ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको पानी पिला के ही स्कूल भेजती हूँ। देखिए अभी मेरी बेटी स्कूल जा रही है, आज उसका मतलब विंटर वैकेशन ख़त्म हो गया, अभी वो जा रही है स्कूल। किधर जा रही हो? ठीक से बोलो किधर जा रही हो? स्कूल। ओके बाय बोल दो सब। देखिए बेटी को अभी मैं स्कूल में छोड़ के आ गई हूँ, अभी मैं लंच बना रही हूँ और लंच में मैं बना रही हूँ मतलब आज सिंपल सा एक रेसिपी बना रही हूँ, मतलब उसको हम हमारे ओडिया में बोलते हैं संतुड़ा, मतलब ये सबसे हेल्दी और मतलब बहुत इजी रेसिपी और हेल्दी भी बहुत, मतलब इसमें कुछ भी मसाले कुछ भी ज़्यादा तेल भी नहीं है, ज़्यादा मसाले भी कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ सारे सब्जियों को उबालना है, उसमें हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक डाल के उसको उबालना है और उसके बाद उसमें लहसुन का तड़का लगाना है, मतलब पंचफूरन डाल के और एक या दो सूखी मिर्ची डाल के उसमें लहसुन कुटा हुआ लहसुन को डालना है और उसको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद उसमें जो उबाल के रखा था ना जो वेजिटेबल्स उसको डालना है। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, संतुड़ा बना रही हूँ और उसके साथ राइस और एक भाजी बनाऊँगी, मतलब जो कच्चा केले का भाजी, ऐसे ही मैं आज खाऊँगी लंच में। देखिए मेरा लंच प्लेट है राइस, संतुड़ा और करेला फ्राई, कच्चा केला फ्राई और पापड़। देखिए हस्बैंड कैसे कॉर्न को कैसे फ्राई कर रहे हैं, मतलब कैसे जैसे ना जो चूल्हे के ऊपर ऐसे कॉर्न को रख के थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है, वैसे वो कर रही है। देखिए मतलब ये इवनिंग स्नैक्स है, मतलब वो ऑफिस से आने के बाद ये कर रही है। देखिए
एक पट्टा जले नहीं। देखिए एक हो गया, देखिए मिस्टर खा रही है, मैं भी अभी खाऊंगी। मम्मा देखो ये कौन लाया। टिट्टू लाया। ये कौन लाया? हाँ टिट्टू लाया। खाओगी? कौन खाओगी? मैं नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट। आपने कभी ऐसे बना के खा ली? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं भूलता है, नहीं भूलता है। बाय।